तो दोस्तों, जैसा कि तुम सबको पता है कि फ्री फायर के ऑसम प्लेयर स्काईलॉर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो इस वीडियो में उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जब मैं अपने दोस्त के साथ एक बार बैठा था तो उसने मुझे सडनली आके बोला कि स्काईलॉर्ड अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। मुझे लगा था ये कोई फेक न्यूज़ है, लेकिन जब मैंने वापस जाकर चेक किया, सर्च किया इसके बारे में, तो मुझे पता चला ये रियल न्यूज़ है। और जब मुझे पता चला ये रियल न्यूज़ है तो मैं एकदम इमोशनल हो गया और मैं रोने भी लगा था। अब बात कर लेते हैं स्काईलॉर्ड के बारे में। स्काईलॉर्ड का जन्म हुआ था रेवा नाम के शहर में मध्य प्रदेश में, लेकिन इनका होम टाउन जो था वो मध्य प्रदेश का इंदौर था। अब बात कर लेते हैं इनके यूट्यूब चैनल की। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल 2020 में स्टार्ट किया था और ये अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो डाला करते थे और जो स्कैम करते, जो फ्रॉड करते, उन लोगों को रोस्ट भी किया करते थे। अब बात कर लेते हैं स्काईलॉर्ड की लव लाइफ के बारे में। स्काईलॉर्ड कहते थे कि उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो भी कॉलेज के थर्ड ईयर में। अब बात कर लेते हैं स्काईलॉर्ड के हॉबीज़ के बारे में। तो उनकी पहली हॉबी थी कि इनको बाइक राइडिंग करना बहुत पसंद था और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना भी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और साथ ही साथ इनके यूट्यूब पे वीडियो डालना भी कहीं ना कहीं इनकी हॉबीज़ में ही आता है। स्काईलॉर्ड पढ़ाई में तो एवरेज थे, लेकिन उन्होंने बैक बेंचर्स के बारे में कुछ कहा है। और देखो, दुनिया कुछ भी कहे, बैक बेंचर होने का अपना एक अलग फायदा है। आज स्काईलॉर्ड हमारे बीच नहीं है, तो इनकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट में RIP लेकर इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें।